आज हम बात करने वाले हैं दी क्वालिटीज ऑफ अ साइलेंट लीडर। अगर आप कम बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप लोगों से कम बोलना पसंद करते हैं और हमेशा शांत रहते हैं ग्रुप में, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपकी कुछ क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप इनबॉर्न लीडर होते हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पहले से ही होती हैं, जिसको सीखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कौन कौन सी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप जल्दी से समझ लीजिए। सबसे पहली लीडरशिप क्वालिटी होती है एग्जाम्पल सेट करना। लीडर को हमेशा बताया जाता है कि तुम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तब तक जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं वो सही राह पर नहीं जा पाएंगे। कभी भी लीडर ये नहीं बोलता कि मैं चाहता हूं तुम ये करो, मैं चाहता हूं तुम ऐसा कर दो, और जब तुम ऐसा कर दोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दोगे तो तैसा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे अंडर कोई काम कर रहा है तो वो चाहता है कि तुम वो काम उसको करके दिखाओ। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि मैनेजर तभी बनो जब तुम अपने नीचे वालों का काम करने के योग्य हो, तभी तो तुम समझ पाओगे ना कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई तुम्हें मैनेजर बना दिया जाए, सुपरवाइजर बना दिया जाए, तो जो तुम्हारे अंडर काम करो तुम्हें उल्लू बना देगा। अरे सर जी ये ऐसे ही काम होता है। अरे सर जी तुम्हें पता ही नहीं है, तो ऐसा ही तो होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है, उसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना आना चाहिए। और जो शांत होते हैं उनको एग्जाम्पल सेट करने आता है, उन्हें पता है कब कितना कैसे एग्जाम्पल सेट करना है कि लोग मेरे को नोटिस कर लें। ये फालतू की जगह नोटिस नहीं होते। जो शांत रहेंगे, जो साइलेंट रहेंगे, वह भी हर चीज में आगे नहीं बढ़ते। उन्हें पता होता है कि कब कितना एग्जांपल सेट करना है, कौन सी जगह करना है, सो दैट कि मेरा फायदा हो, उस तरीके से एग्जांपल सेट करते हैं। और जो हमेशा बोलते रहते हैं, मुंह मियां मिट्ठू होते हैं, वह एग्जांपल तो छोड़ो, वो तो बस बकबक 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 करते रह जाते हैं। लेकिन जो शांत रहता है ग्रुप में, वो करता है एग्जांपल सेट और बढ़ जाता है जीवन में आगे। ये ना सिर्फ अपने से छोटे यानी कि अपने से नीचे काम करने वालों के लिए एग्जांपल सेट करते हैं, बल्कि अपने से ऊपर काम करने वालों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसीलिए बहुत इजीली प्रमोट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना जानते हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्जाम्पल ही काम करती है, इनकी इमेज ही काम करती है। मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते लीडरशिप लोग, लीडर लोग ये नहीं बोलते कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं, करके दिखाते हैं। जी मैंने करके दिखा दिया। जब तुम एग्जाम्पल सेट, अब जैसे मैं मोदी जी की बात करूं, बहुत अच्छे लीडर है ना, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा था क्या कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना ढिमकाना चीजें कर दूंगा। नहीं ना, उन्होंने एग्जांपल सेट किया किसका, गुजरात मॉडल का। जैसे एग्जांपल सेट किया, उस एग्जांपल को लोगों को दिखाया कि देखो गुजरात कितना वेल डेवलप्ड है, देखो ना कितनी मस्त सिटी बन चुकी है, कितनी मस्त सिटी है, देख के तो जाओ एक बार घूमो तो, कितनी ज्यादा पब्लिशिंग हुई उसकी, कितनी ज्यादा उसका क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट हुआ, कितना ज्यादा मीडिया ने फैलाया। यानी कि एग्जांपल सेट करना जरूरी है, तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, तभी तुम एक चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन पाओगे। लीडरशिप क्वालिटी नंबर 2, ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट जीतना जरूरी है, और जो शांत लोग होते हैं वो इजीली लोगों का ट्रस्ट जीतना जानते हैं। उन्हें पता है लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। वो शांत रहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे इसका ट्रस्ट जीतना है, क्या से ऐसी बात करनी है कि जिससे मैं इसका ट्रस्ट जीत पाऊँ, या अपना ट्रस्ट कैसे बेचता है, उसको खरीदने आना चाहिए। ये लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उसके पास जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि उसका ट्रस्ट जीत ले, और जैसे उसका ट्रस्ट जीतते हैं वैसे ही उसको अपने वश में कर लेते हैं, और जो ये बोलते हैं वही वो काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि साइलेंट हंटर बनो, शांत रहकर आप जो काम कर सकते हो वो कभी भी आगे बढ़कर चौड़ में आकर कभी भी नहीं कर सकते। शांत होना जरूरी है, और आप तो वैसे ही शांत हो, आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। क्वालिटी नंबर 3, ये हम्बल होते हैं। कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना ही तुम ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, आपको हम्बल रहना पड़ेगा। एटलीस्ट लोगों को दिखाओ कि तुम हम्बल हो। हम्बल जब तक आप नहीं रहोगे, तब तक आपके अंदर एक नशा चढ़ जाएगा। आप अगर नशे में आ गए ना, दौलत का नशा बहुत घटिया होता है। लोगों को मैंने बहुत ऊपर उठते देखा है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे में हो जाते हैं कि नीचे गिरने में उनको टाइम नहीं लगता, वो अपनी दौलत को संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो तुक्के में लगी हुई होती है। तो आपको समझना है कि हम्बलनेस दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि तुम हम्बल हो। तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम हम्बल हो। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाता है, जब तुम एक रुतबा एक स्टैंडर्ड हासिल कर लेते हो, तो तुम्हारी जो हम्बलनेस होती है ना, वो बड़े ही क्यूट नज़रों से देखी जाती है। जब तुम अमीर हो जाते हो और तुम कहते हो कि मेरी जो माँ जी थी वो तो लोगों के घर में जाके ये बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, मेरे पापा तो रिक्शा ड्राइवर थे, मेरे पापा ने तो ये किया, अरे मेरे घर वालों ने तो ये कर दिया, मेरे भाई ने तो पता नहीं क्या किया, उधार मांगता था। जब तुम एक ऊंचाई पर पड़ जाते हो और जब तुम ऐसी बातें बताते हो ना, तब ये बड़ी प्यारी लगती है। अरे कितना हम्बल इंसान है यार, ईमानदार है, कितना अच्छा इंसान है। और अगर तुम छोटे हो, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है जिंदगी में, और तब तुम ऐसी बात कहोगे तो लोग तुम्हें अपनी नजरों से हटा देंगे। अरे साइड हट, अपनी गाथा सुनाता रहता, अरे नीचे हट,
आगे बढ़ने दे हमें, ऐसा होता है। तो जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो हम्बलनेस दिखाओ, मैं बड़ा हम्बल हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है, अरे जी सब आपने किया, ऐसा बनो। और जो साइलेंट होता है उसे पता है हम्बलनेस कैसे दिखाई जाती है, उसे पता है शांत रहकर अपनी हम्बलनेस दिखाओ और उसका फायदा उठाकर आगे बढ़ जाओ। जो हमेशा बकर बकर करता है वो अपनी तारीफें करेगा, अरे मैंने ये किया है, मैंने लाइफ में ये किया है, ऐसे उपलब्धि हासिल की है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने लोगों के लिए ये किया है, क्या कुछ नहीं किया, मैंने सबकी हेल्प करी है, तभी तो मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो शांत रहने वाले इंसान वैसे ही हम्बल होता है, उसे पता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। पॉइंट नंबर 4, बी काम। जो कम बोलते हैं उनके अंदर कामनेस अपने आप होती है, क्योंकि वो बोलते कम हैं तो सिचुएशन में फंसते कम हैं, इसलिए उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की फालतू जगह पे ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनका दिमाग एक ही जगह पे काम कर रहा होता है कि लोगों को कैसे ऑब्जर्व करें, और इस वजह से वो हमेशा ठंडे रहते हैं। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा मुसीबत में फंसते चले जाओगे। आप 10 लोगों को 10 तरीके की बातें बताओगे, उनमें 20 झूठ ऐड कर दोगे, उन झूठ को कैसे मैनिपुलेट करना है यही नहीं याद रहेगा तुम्हें, तो ऐसे तुम फंसते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने आप को नहीं रख पाओगे, दिमाग पूरा फट जाएगा। जो कम बोलते हैं वो झूठ भी कम बोलते हैं, अब तुम कम बोलोगे तो झूठ भी मुझसे कम ही निकलेगा। तो संभालना आसान हो जाता है, लोगों को समझाना आसान हो जाता है, ठंडा रहना आसान हो जाता है, और एक लीडर का ठंडा रहना बहुत जरूरी है। लीडर ही पैनिक में आ गया, लीडर ही भयभीत हो गया, तो फिर तो प्रजा क्या करेगी। राजा को हमेशा दिखाना है कि सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा मैं फ्रंट से लीड करूंगा। भय उसको नहीं दिखाना, जिस दिन तुम डर दिखा देते हो उस दिन तुम राजा कहलाने के लायक नहीं रह जाते। तो बींग अ लीडर आपको समझना है कि भय ना दिखाएं, डर मत दिखाइए, ये दिखाइए मैं बड़ा ठंडा हूं, मैं बहुत शांत हूं। और सच बता रहा हूं, जो शांत रहते हैं ना वो तो वैसे ही शांत रहते हैं, उनके लिए तो शांत वर्ड का यूज ही किया जाता है। तो जो ज्यादा बोलते हैं उनको ये सीखना पड़ता है, लेकिन जो पहले से ही कम बोलता है शांत रहता है तो शांत है ही। जो कम बोलता है उसका डर भी कम दिखेगा, जो ज्यादा बोलता था अचानक से चुप हो जाएगा तो लोग बोलेंगे डर गया है। जो पहले से ही कम बोलता था और बाद में भी कम बोल रहा है तो क्या उसका डर दिखेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर पहले से ही होती हैं। पॉइंट नंबर 5, दे फॉलो देयर कमिटमेंट्स। ये जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद तो किसी के बाप की भी नहीं सुनते, तो इनको अपने कमिटमेंट करना आता है। कहां पर कमिटमेंट करनी है, किससे कितनी कमिटमेंट करनी है, और कितने दिनों तक की करनी है, और कैसे उसको पूरा करना है, इनको अच्छी तरीके से पता होता है। देखो, कभी भी झूठे वादे मत किया करो, अगर तुम झूठे वादे करोगे तो उनको पूरा नहीं कर पाओगे। एक लीडरशिप जो होता है, एक लीडर बंदा होता है, उसको पता होता है कि लीडरशिप क्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है ये कि आप सही वादे करो। एक नेता जी बहुत वादे करें कि अरे मैं जनता के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और उनमें से वो दो वादे भी पूरे ना कर पाए तो जनता के अगली बार उन्हें वोट देगी नहीं देगी। इसलिए नेता को पता होना चाहिए कि कब किससे कितनी वादे करने हैं, मतलब वादे भी करने आने चाहिए, कमिटमेंट भी करवाओ, लेकिन उतना ही करवाओ जितने तुम पूरे कर लो। फालतू के मत करवा दो कि तुम मैं ये करूंगा वो करूंगा और कर कुछ भी ना पाओ। एटलीस्ट 10 में से 7 तो पूरे कर लो भैया, 3 जो बहुत मुश्किल थे जिसकी वजह से तुम्हें वोट मिले वो मत करना, 7 तो कर लो यार। तो ये हमेशा याद रखो इस पॉलिसी को कि 10 वादे बताओ तो उनमें से 3-4 ऐसे बताओ जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन बाकी के 5-6 ऐसे हो जो कि बहुत आसान थे करने के लिए, तो उनको करो और बोल दो 10 में से 7 तो कर ही दिए, बाकी के 3 पे काम कर रहे हैं हम। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, और जो शांत रहता है उसको सारी चीजें पता होती हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे तो अगेन मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर जाओगे, लोगों से झूठे वादे कर जाओगे, अपने मुंह में या मिट्ठू बनोगे तो बोलोगे अरे मैं भी तेरे काम करवा दूंगा, मैं भी ये करवा दूंगा, मैं भी वो करवा दूंगा, मेरी बहुत चलती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो शांत रहता है वो कमिटमेंट भी कम करेगा, क्योंकि उससे लोग उम्मीद नहीं करते ना ये फालतू के ड्रामे करे, ये वादे करे, नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम बोलो, कम बोलोगे वादे मुंह से कम निकालोगे, और उनको पूरा करना ही उतना आसान हो जाता है। ज्यादा वादे करोगे भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो लोगों के नजर में आपकी जो छवि है वो बिगड़ जाएगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखें, और पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।